86 BHP वाला 113 Nm का टोर निकाल के वेरियंट है, कुछ भी नहीं है ये से लेके अभी तक कुछ ना बोल पाऊंगा भाई। देख सकते हैं ये अड़ गया भाई मेरा सिर, कितनी लंबाई भी ना भाई 5 फीट 6 इंच। भाइयों मैं हूं मोहम्मद आजम, तो भाई आज हम बात करेंगे टाटा टियागो के बारे में। बिल्कुल बेस वेरियंट है भाई, XE नाम से हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम बता दें इस टाइम हम खड़े अपने श्री बालाजी टाटा मोटर्स पे जो हमें पड़ जाता है दिल्ली रोड पे। और भाई यहाँ इसके प्राइस की हम बात करते हैं, जो इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा वो रहेगा 5,60,000 का भाई, वो तो ऑल इंडिया में एक्स शोरूम तो सेम ही रहेगा। बात आती है इसके ऑन रोड प्राइस पे, भाई ऑन रोड प्राइस हमें क्या पड़ने वाला है भाई, ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला वो पड़ेगा 6,37,000 में। हम इसे अपने श्री बालाजी टाटा मोटर्स पे से अपने घर लेकर आ सकते हैं। बाकी भाई टाटा बेस वेरियंट टियागो के अंदर देगा क्या फीचर रहा आज पूरा डिस्कस करेंगे, आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले मैं बता दूं इसके कलर के बारे में, ये हमें ग्रे कलर इसका मिल जाएगा, सुरमट टाइप में हम इसे कलर कह सकते हैं। जो भाई गाड़ी में बिल्कुल बेस वेरियंट है, कुछ भी नहीं है ये से लेकर अभी तक कुछ नहीं है, बस वैल्यू और मनी हम इसे कह सकते हैं। जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली का अगर वो गाड़ी पे शिफ्ट होना चाहता हो तो वो इस वेरिएंट को जल्द से जल्दी पकड़ ले, क्योंकि इतना सस्ता भाई 5,60,000 में इतनी बढ़िया गाड़ी आपको कॉम्पैक्ट हैचबैक मिल जाती है, वो भी टाटा की बिल्ड क्वालिटी के साथ में। टियागो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है गाड़ी की, काफी अच्छे लुक के साथ में आती है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब है। सबसे पहले हेडलाइट की बात करता हूँ भाई, नॉर्मल चाहिए हमें इसमें हेडलाइट मिल जाती है, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा। इंडिकेटर की बात करूँ वो भी आपको लट्टू से मिल जाता है, हेलोजन नहीं मिलेगा, कोई भी LED नहीं मिलेगी। लेकिन भाई बेस वेरिएंट में भी टाटा टॉप वेरिएंट जैसा क्रोम लगा के देता है, ये तो टाटा की अब हर चीज में चल चुकी है। अगर मैं टियागो की बात करूं इसमें भी आपको पूरा कनेक्टिंग क्रोम मिलता है, इधर पंच की बात करूं इसमें भी आपको पूरा कनेक्टिंग क्रोम मिल जाता है, बाकी लोगो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। भाई जो ग्रिल दी है वो आपको टॉप वेरिएंट जैसी मिल जाती है बेस वेरिएंट के अंदर, पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको रब ब्लैक में इसमें एक यहाँ पे जो ग्रिल इसे हम कह सकते हैं दो जोन में इसमें ग्रिल मिल जाती है, यहाँ से भी आप इसका रेडिएटर ठंडा कर सकते हैं, ऐसे नहीं है फेक ग्रिल बनी हुई। इसमें भी आपको छोटे छोटे हुक कटे हुए हैं हवा जाने के लिए, यहाँ भी आपको हुक बने हुए हैं हवा जाने के लिए अंदर। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो नंबर वन पर आती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 170 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है हैचबैक के अंदर। इंजन की बात करता हूँ भाई, 1199 cc का इंजन मिल जाता है, जनरेट कर देता है 86 BHP 113 Nm के टॉर्क के साथ में। भाई इतनी बढ़िया गाड़ी आती है, फेंडर पर आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलता ही है। जो इसका स्टील रिम आता है भाई, बेस वेरिएंट है इसलिए आपको स्टील रिम मिलेगा, कोई भी अलाव व्हील व्हील कैप वगैरह कुछ नहीं इसमें देखने के लिए मिलेगा। JK का इसमें टायर मिल जाता है, जिसकी प्रोफाइल रहेगी 155/80R 13 इंच का इसमें टायर मिल जाता है। बेस वेरियंट है, टॉप वेरियंट या इससे ऊपर होता है उसमें आपको 14 इंच का मिलता है, बस ये बेस है इसमें आपको टाटा टायर जो वो थोड़े छोटे करके दे देता है टॉप वेरिएंट के मुकाबले, उसमें आपको 1 इंची टायर बड़ा मिल जाता है। रियर और फ्रंट में कुछ ऐसे इसमें स्टील रिम मिल जाते हैं, इसमें आपको कोई भी अलाव व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। लेकिन भाई ब्रेक के फीचर सब मिल जाते हैं, ABS ABD एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वो आपको सब देखने के लिए मिल जाता है। साइड मिरर की बात करूँ वो भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलेगा, रब ब्लैक के साथ में मिलेगा, कोई भी पियानो ब्लैक नहीं मिलेगा। डोर हैंडल भी भाई अभी गाड़ी का कलर जैसे सुरमई है तो उस चीज़ पे मैच करना है, ये भी आपको पूरे रब ब्लैक मिलेंगे, कोई भी पियानो ब्लैक या बॉडी कलर नहीं देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर ये वाइट कलर होता तो इतने गंदे लगते हैं, इस पर क्रोम लग के ही ढकाने में मुश्किल हो जाते हैं। भाई टाटा वालों के लिए खुशी की बात तो है, टाटा अपनी 50 लाख कार सेल कर चुका है 25 सालों के अंदर। भाई 25 सालों में 50 लाख कार, लोकल वोकल की वैसिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। रियर में इसमें आपको हाई स्पीड स्टॉप मिलेगा ही, रियर पर कोई भी वाइपर डिफोगर कुछ नहीं मिलेगा। बाकी रियल लाइट की भाई बात करूँ वो भी आपको हेलोजन के साथ में मिलेंगी, लट्टू साहब बल्ब देख सकते हैं ऐसे देखने के लिए मिलता है, रियर में मिल जाता है, रिवर्स करने के लिए मिलता है, इंडिकेटर ही मिलता है, इसमें भी आपको बल्ब देख रहे हैं लट्टू से सेम। बाकी टियागो की बैसिंग आपको यहाँ पढ़ सकते हैं आप, यहाँ मिली जाएगी, टाटा का लोगो मिल जाएगा, कैमरा जो आता है टॉप वेरिएंट में यहाँ मिल जाता है, बट ये बेस है तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ भाई बेस वेरिएंट में टाटा पार्किंग सेंसर टाटा के कंपलसरी जरूर है, तो आपको पार्किंग सेंसर जरूर मिल जाएंगे। ये तो हो गया गाड़ी में बाहर बाहर से, अंदर कहीं मैं फीचर गिनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई इस रेंज में इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, तो बाकी आप चाहो तो यहाँ आप आन के और गाड़ी भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी देख सकते हैं, हमारे पीछे और गाड़ी भी मिल जाएंगी, ऑल स्टॉक हमने कवर कर रखा है। चाहे तो आप नेक्सोन का रिव्यू देखना चाहें या सफारी का या हैरियर का, कोई सा भी आप देखना चाहें पंच वगैरह, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो वगैरह देखें। बाकी यहाँ पर आपको टोहक मिल जाता है देखने के लिए, जैसे मानो गाड़ी कभी ख़राब हो जाती है तो टोहक लगाओ, गाड़ी हमारी खींचो कहीं भी ले जाओ। भाई अंदर ले चलता हूँ, बेस वेरियंट में क्या मिलता है, एंटीना भी नहीं मिलेगा बेस वेरियंट में, आपको खाली कवर मिल जाता है, वो भी हमें एसेसरीज में लगवाना पड़ेगा। अभी गाड़ी पर कोई भी एसेसरीज वगैरह लगी भी नहीं है। सबसे पहले भाई बेस वेरिएंट की अगर की मैं बात करूं तो हमें नॉर्मल चीज़ में की मिल जाती है, टाटा के लोगों के साथ में मिलेगी, काफ़ी बड़ा सा टाटा का लोगो मिलता है। की क्वालिटी भाई, कैमरा फोकस, कोई भी सेंटर लॉक वगैरह इसमें देखने के लिए नहीं मिलता। डोर की अगर मैं बात करता हूं भाई, कुछ ऐसा इसमें हमें डोर देखने के लिए मिल ही जाता है, यहाँ आप पूरा डोर इसका देख सकते हैं। इसमें आपको आज के टाइम में भाई देखो, आज के टाइम में क्या है ये, वो भी भाई ये फर्स्ट रो का डोर है, ऐसा नहीं है सेकंड रो में हो भाई, फर्स्ट रो में इसमें आपको हत्ते देखने के लिए मिलते हैं, जैसे भाई मध्य टाइम के अल्टो में आते थे, जैसे भाई हम पे है 2005 जो भाई मध्य टाइम से जुड़े हुए हैं वो पता है उन्हें कि हम क्या आता है क्या नहीं आता। ये इसका भाई डोर हैंडल मिलेगा, ये भी आपको
रब ब्लैक मिलेगा, कोई भी पियानो ब्लैक नहीं मिलेगा भाई। सी से आप ये खुंटी सा आज के टाइम में इस खुंटी सा एडजस्टेबल करेंगे, लेकिन भाई वही है 5,60,000 में और के लोगे और टाटा की जान लोगे। टाटा इतने सारे फीचर्स इसमें दे रहा है, इसके साथ में ये तो भाई चलो एसेसरीज का पार्ट है, इसे चाहो तो आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। पावर विंडो यहाँ पे, स्पीकर भी नहीं आएगा, बेस वेरियंट है, कुछ नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं वो अंदर डोर दिख रहा है आर पार, बिल्ड क्वालिटी तो चलो ठीक है। यहाँ पर आप आधा लीटर की बोतल रख सकते हैं पानी पीने की बच्चों वाली। भाई भाई सबसे पहले बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, की लगाता हूँ, जैसे मैं इसमें की बढ़ाता हूँ ये, अब इसकी सीट करते हैं पीछे, डोर करते हैं बंद। सबसे पहले देख सकते हैं आप इसका मीटर, मीटर भाई टॉप वेरिएंट जैसे ही हमें देखने के लिए मिलता है। टाटा की ये खासियत काफी अच्छी है, इसको आप क्रोम से पहचान कर सकते हैं, टॉप वेरिएंट जैसा है। फीचर्स भी इसमें सब मिल जाएंगे, ट्रिप ए ट्रिप भी वगैरह आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ से आप साइड वगैरह रिसेट कर सकते हैं। टाटा का लोगो मिल जाएगा, दो एयरबैग कंपलसरी है ड्राइवर साइड, गो पैसेंजर साइड एयरबैग इसमें देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा भाई बेस वेरियंट के अंदर, आपको चीजें कुछ नहीं देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर कोई भी आपको क्रोम का काम, पियानो ब्लैक कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी रब ब्लैक के साथ में मिलेगा। हजार लैम्प का ऑप्शन ये मिल जाएगा, लिपटिप लिपटिप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन भाई ये चीज आज के टाइम में, लेकिन ठीक है भाई, जिस बंदे का बजट ही भाई इस रेंज का हो तो वो इस गाड़ी को पकड़ सकता है। बहुत अच्छी गाड़ी टाटा ने बना रखी है, मैं बुराई नहीं कर रहा कभी, आप सोचो ना ही कभी झूठ बोलता, कभी सोचो मजाक कर रहा। बाकी भाई लोग अनलोक कोई भी सेंटर लोग नहीं मिलेगा, देखो मैं इसको कर रहा हूँ बट उधर कोई असर नहीं पड़ रहा, नहीं तो चारों हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भी आपको सब एसेसरीज वगैरह में ही लगवाना पड़ेगा। गियर नोब की भाई बात करो, ये भी हमें नॉर्मल से गियर नोब मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर, टाटा अच्छा खासा बना देता है। एसी के जो कंट्रोल मिलते हैं भाई वो आपको मैनुअली एसी के क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएंगे, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं एसी आएगा। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ मिल जाएगा, कोई भी यूएसबी वगैरह कुछ नहीं है फोन चार्ज करने के लिए, हमें बाहर से चार्जर खरीदना पड़ेगा इसमें लगा के, जब उसमें डेटा केबल लगा के अपना फोन चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ ग्लव बॉक्स जो रहेगा कुछ ऐसा इसमें देखने के लिए मिल जाता है भाई, थोड़ा स्पेस तो चलो ये अच्छी बात है, यहाँ भी मिलेगा यहाँ मिलेगा, कोई भी इसमें लैम्प वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सीट की क्वालिटी तो भाई टॉप वेरिएंट जैसी है, अभी सीट कवर नहीं चढ़े, सीट ही टाटा ने ऐसी बनाई है, लेकिन पिन्नी है ये अच्छी चीज है, दिल खुश हो जाता है इस चीज को। जब नई गाड़ी हो तो इसकी फील यही दिलाती है कि गाड़ी हमारी नई है, जो नई गाड़ी की भाई महक बन के आती है। हाँ क्या महक बन के आ रही है टाटा टियागो के अंदर। बाकी डैशबोर्ड बेस वेरियंट में कुछ ऐसा है ही भाई लोगो, हैंड ब्रेक कुछ ऐसा मिल जाएगा, दो का फोल्डर यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, पेडल नीचे आपको, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीनों मिल जाएंगे देखने के लिए। ये कोई भी ऑटो डिमिंग वगैरह नहीं आएगा, इसको आप यहीं से कर सकते हैं। वीडियो लाइक करके जाना, फेस रिवील कर दूं चैनल पर, लो कर दिया फेस रिवील भी। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए इधर मिलेगा, इधर बात करो इधर आपको कुछ नहीं कहीं से कहीं तक मिलेगा। रूफ में भाई व्हाइट एलईडी बेस वेरिएंट के अंदर, एक्स ई जो वेरिएंट है उसके अंदर भी टाटा में व्हाइट एलईडी निकाल के देता भाई। ज्यादा तेज चीख रहा हूँ आज क्योंकि भाई गाड़ी ने दिल खुश कर दिया इस रेंज में, इतनी अच्छी गाड़ी बनकर की रख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड रो में लेके चलता हूँ, सेकंड रो में क्या क्या मिल जाता है उससे पहले मैं आपको इसका इंजन वगैरह सब दिखाऊंगा, जो 1199 सीसी का इंजन है। पहले हम ये तो बोट ओपन हो गया, यहाँ से इंजन ओपन होगा, फ्यूल टैंक भी ओपन हो गया, अभी सब चीजें आपको कमरे में कवर करके दिखाता हूँ। सीट की भाई बात करूँ बस आपको इसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते कुछ भी। जो भाई सेकंड डोर रहेगी काफी निकला हुआ है, चीज सीने में अड़ने का डर रहता है जब इसे खोलते हैं तो। जो भाई सेकंड डोर से इसमें मिलेगा कुछ ऐसा, इसका डोर पूरा मिल जाएगा देखने के लिए, ट्विटर फेंक ट्विटर यहाँ मिलेगा, फेंक स्पीकर यहाँ मिलेगा क्योंकि बेस वेरिएंट में कुछ चीज अभी लगी भी नहीं है, ऐसे सीरीज में लगानी पड़ेगी। रियर में भी भाई ये देखो, ये इतना ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा भाई। मध्य टाइम की अल्टो है, 2007 मॉडल है, उसमें भी ये चीज है। आज के टाइम में 2023 में 24 लगने वाली है, 24 में भी टाटा इस चीज पर जी रही है, चाहती है शीशा पूरा अंदर जाना चाहिए भाई, वो चीज़ है एक अलग ही लेवल का मजा आता है। इसको करते हैं बस, वहाँ नॉइस वगैरह बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर देखने के लिए एक मिल ही जाएगा, पूरा डैशबोर्ड बेस वेरिएंट का कुछ ऐसा है ही। सेकंड रो में कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन भाई सीट की जो क्वालिटी है भाई, कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ सीट तो भाई हेडरेस्ट भाई ये चीज अड़ रही है सिर में, ये चीज दिल खुश नहीं कर पा रही आज भाई, खट्टा हो गया मैं यहीं, अब ना बोल पाऊंगा इतनी तेज ना बोल पाऊंगा भाई। देख सकते हैं ये अड़ गया भाई मेरा सिर, इतनी लंबाई भी ना भाई, 5 फीट 6 इंच सह रहा हूँ मैं पूरा। बाकी भाई लेकिन सीट में जो भाई ये थाई सपोर्ट वगैरह निकल कर रहा है, ये चीज काफी अच्छी है भाई लोगो, आप गाड़ी को परचेस कर सकते हैं एक बार। चलो बूट और दिखा देता हूँ, दिल तो खट्टा हो ही गया है। जो भाई बूट रहेगा हमारा, बूट स्पेस काफी बड़ा बूट स्पेस इसमें देखने के लिए मिल जाता है। स्पेयर व्हील की अगर मैं बात करूं, स्पेयर व्हील जो रहेगा जेके का टायर मिलेगा, जिसकी प्रोफाइल रहेगी भाई 13 इंच का ही मिलेगा, स्टील रिम ही आएगा, इसलिए कोई कॉस्ट कटिंग नहीं हुई। कंपनी चाहती इसमें 12 इंच दे सकती थी, ये चीज चलो सही कर दी, अगर यहाँ पे दिल खट्टा हुआ तो इस चीज ने सही कर दिया, आप फिर इतनी तेज बोल पाऊंगा। बूट करता हूँ सबसे पहले बंद, अब जो इसमें पेट्रोल डलेगा वो चीज मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पेट्रोल आप यहीं से फिल करा सकते हैं, जो 1.2 लीटर का इंजन है 1199 सीसी वाला, डिवाइस के इंजन पर लिखा डलवा देता हूँ भाई। जो इंजन इसका रहेगा हमारा टियागो का, जो बोनट है भाई वो तो काफी हैवी बोनट इसमें दे रखा है, आप आवाज से पहचान गए होंगे। यहाँ पर आपको कवर वगैरह पूरा कर चुका
है टाटा, ताकि अंदर इसमें थोड़ी नॉइस इंजन की कम जाए। बाकी इंजन कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 86 BHP वाला, 113 न्यूटन मीटर का टोर्क निकाल के देता ही है भाई। बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, इंजन भरा हुआ भी है, लेकिन नीचे से इंजन पे कवर्ड वगैरह जरूर होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ आप एसेसरीज में सब लगा सकते हैं। फोर सिलेंडर इंजन है ही भाई, आप यहाँ देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह ये हैं या अंदर तो होती हैं, बट वहाँ भी आप पहचान कर सकते हैं कि फोर सिलेंडर इंजन है। और उनकी बैटरी पेट्रोल के साथ में मिली जाएगी, बाकी पूरी कुछ गाड़ी की प्रोफाइल ऐसी निकल कर आती ही है। तो कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।